राम राम जी सारा ने तो ईद बज चुके हैं 10:15, सारा काम कर लिया है। ईद बनाऊ हूँ मैं चाय, एक तो घर में आ रहे हैं मिस्त्री, वैसे परिवार में है दादाजी लागे हमारे। हमारी मोटर होगी खराब काल, आज 3 टंकी हैं, तीनों ही खाली पड़ी हैं। सबसे ज्यादा तो भाई बाथरूम में जावा है पानी, उसमें ज्यादा दिक्कत हुआ है, बाकी तो काम चल जाए उद्दी आदि में। और ईब मिर्च और टमाटर काटते हैं, कल आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो बाद बार चुकूंगी, बच रही है गणी तो ये बनाने की जरूरत होनी। और सोन भी पड़ा है थोड़ा सा, उसलना पड़ेगा शायद 2-3 रोटियां का, मैं पोलथीन में रखा करूँ क्योंकि फिर इसमें है ना गैस पास आउट होनी होगा इसके अंदर, तो ये बिल्कुल नरम रहे, नहीं तो फ्रीज में तली काटा रहे इतना कड़ा चून हो जाए, मेरा हाथ दुखने लग जाए अभी रोटी बना दिया, बनाई कोनी रोटी हर बनाई की कोनी करो। वो कोरोना के टाइम पर टिक्का लगवाया था और वो टिक्का इतना ज्यादा सीधा है ना, बस मतलब न्यू बात करूँ ना, न्यू बात ज्यादा देर रखा है कौन सा, खास करके आप कपड़े वगैरह सुखावा ना तो बस नहीं हो जाए, कोई और ही सुखा दे, कौन सुखाएगा, और ये ठंडा चून में कौन पोएगा। फिर किसान ने बताई मैं नहीं पोलथीन में रख दिया अगर नरम रहे तो, सच्ची बहुत नरम रहे, बाकी पोलथीन में ना रखा कर दी जब एक काम कर दिया कर दी 2-3 घंटा पहले फ्रिज से निकाल दिया कर दी तो हो जाया करता नरम। ये झाड़ू पोछा कर हर मेरे छोरे के काम देख लियो आप, देखो चीनी किस तरह खिंडा के गई है। और अपना तो भैया सूत ऐसा बैठा है या चुंदड़ी और दूसरा ही वीडियो बना है लोग भी नहीं सोचते होंगे इसका नहीं आया कि चुंदड़ी है कि, बाकी इतना दिन मन वीडियो कौन बनाई जब मन नहीं रही चुन्नी ओटी, और वीडियो बनाते साथ फिर भाई चुंदड़ी ओटने स्टार्ट कर दी, मैं खुद भी यह चीज सोचू थी। भाई बालक भी है ना काम बिगाड़न में रहे, या देख लो पोचा मारे डमे या गाड़ी लेके आने वाला है जल्दी पूरी स्पीड दा दबाज है लाग जाएगी। तो टमाटर हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा सब्जी में और मन थोड़ा कम लग गया तो इसलिए सब्जी छोक दू मैं दोबारा तय।
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੀ ਉੜੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ आज मैं उठी तो बहुत जल्दी थी लेकिन फिर भी 11 बज गए हैं। इमरान की तैयारी करूंगी उससे पहले पाडी बांधन का टाइम हो रहा है भाई क्योंकि दो खुट्टे हैं उसके दो खुट्टे बदलने पड़े हैं एक का नहीं काम आ गया है। तो आज सोची कोई आसपास में था कौन सारे खिता में जा रहे हैं भाई थोड़ा हो जाए कम हम नहीं तक ये कर रहा या भैंस है हमारी और इसमें इन्हें बांध जाऊंगी पार्टी बंद क्यों के खा तू फोन ना छेड़िए ठीक है ना या वीडियो सारी खराब कर देगी फोन ना छेड़िए पड़ जागो नहीं मेरा फोन बच गया तो यो है बैसा का गेट यो बैसा का देसी गेट देखो दो भैंस मारी हैं और चार पड़ोसिया की हैं भाई आज सानवी याडे बैठ के खाने लगी आज के खाए सात दिन मिठो खानो आज जल्दी सी आज बेटा नहावांगे तो ईद कर ली है भाई नान की तैयारी सब्जी दोबारा छूट दी है मैंने चूनो सुन दिया है रोटी बनाऊंगी मम्मी का आए बाद में या फिर यू लगा लो 11:15 हो गए 11:10 हो गए उस नाके आऊंगी नाके आने के बाद थोड़ी तैयार होंगी आज मैं तैयार होंगी और भी दिखाऊंगी एक मैं डेली यूज में कौन सी क्रीम यूज करूंगी सिंपल सिटी अगर कोई रखना चाहे है तो मेरी तरह मैं देखो ज्यादा मेकअप वगैरह मन करना को नहीं आओ लेकिन मेरा शौक है मैं थोड़ा मोटा मेकअप सीखूं तो उसके खातर कर रखी है थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कुछ मंगवाया है वो आ जाएगा उसके बाद लाइव मेकअप करके दिखाऊंगी तो ईद तो मैं ना लू हूँ नान के खातर आज पहनू मैं नया सूट नया ही है क्योंकि एक बार भी कौन पहरे है आज पहनूंगी मैंने बहुत पसंद है वो कलर
और इसके ऊपर वही चुन्नी तो ठीक होनी, तो यह चिड़िया वाली चुंदड़ी ओढ़ूंगी और मानीन पर आके लाऊंगी ये कपड़े। मानीन में बाथरूम में ही कपड़े भरा दिया करूँ, कदे बाई चांस ऐसा हुआ है कुछ ना मैं बिना कपड़े पर आए आड़े लेके आऊँ, बाद में बहुत पंगा हो जाए बाजी जा रही नहीं ना बाथरूम में एक जगह खड़ी रहे तो पराण मासानी हो है। तो ये सलवार के अंदर नाड़ा कोनी नाड़ा डाल दी हूँ या है ना सिंगल नाड़े की एक बात यह सबसे ज्यादा अच्छी लगी मैंने कि वह नाड़ा सिम की देते हैं या बहुत ज्यादा मुश्किल हो है। सूट तो आप इतने सिलवा लिया नाड़े अपना कोनी रेडीमेड आड़ मिलते भी कोनी, सिवाणी ट्राई कराया था मैंने एक तो जगह लेकिन मिले कोनी। और इस सूट का मैं अस्तर लगवाया है, सलवार में भी अस्तर लगवाना पड़ेगा जोर जोर है इसलिए दिखेगा भाई तो दिखेगा, तो इसलिए मैंने गोडा गोडा पर लगवाया है और कड़े को लगवाया और कुछ इसका आड़े ये बोलिया कर नाड़ा गा लिया कर हमें मेरा इतना सुट्टा की इतनी जानकारी बोली मैं बेल्ट याद आ गई तो जल्दी जल्दी नाड़ा गाल लू हूँ इससे के साथ थोड़ी मोटी बात भी हो जाएगी भाई और भाई बात है डेली डेली बात भी एक रात की दिखावा तो इसलिए मेरा गल सुनना है क्योंकि मंगल सूत्र काट के छोड़ा के हिम ना के तैयार होके उसके बाद अगर यह वीडियो ज्यादा लंबी बन गई तो मैं इतनी घेरूंगी जब टाइम मैं यह नाड़ा गाल लेना गई हूँ, अगर ठीक ठाक बन गई तो तैयार हो बात की भी दिखाऊंगी और कुछ घर में कुछ नई चीज भी लेके आई हूँ वह भी दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज दिमाग में आने लगी तो उसके ऊपर वीडियो बनानी है तो इसके खातर मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँ भाई जल्दी उठूंगी हूँ 5:30 बजे तो मैं उठ लू और इससे जल्दी मैं के उठू 4 बजे उठ के तो करूँगी क्योंकि भाई हर किसी का घर का माहौल अलग हुआ है। 4 बजे वो इंसान उसका है जिसका घर में खुद ऑफिस में जानती हो, उसका हस्बैंड ऑफिस में जाना हो या फिर उसके बालक स्कूल में जाते हो कुछ ज्यादा काम हो, वैसे बालक स्कूल में जाते हो तो भी 5:30 बजे 5:30 बजे उठ ले कोई जल्दी इतनी बोली होती क्योंकि 7:30 7 बजे बस आवे है बाहर ना अंधेरा हुआ है भाई 4 बजे उठ के कराई भी की ना तो गोबर गाल सकते ना पैसा का दूध काट सका क्यों सामने भी तो एक टाइम हुआ है एक लिमिट हुआ है भाई दूध काटने की भी कुछ गैप होना चाहिए उसके अंदर। सामने 6:30 6 बजे दूध काटा हाँ 8:00 4 बजे दूध काट लिया मैंने तो देखो काटना को नहीं आवे सानवी ना मन टेबल पर फोन धर रहा क्या हरियाणा के बैठे मेरा जो बड़ा ट्राइपॉड है उसका ऊपर आला वो लेके आना पड़ेगा भाई इसमें बहुत तंग हो रही हूँ मैं छोटा आने में फिर देख रहे तो जी कौन कर बनाना क्यों पड़ जाए मेरे फोन का बोझ ही कौन उठने लग गया अरे भाई मारी सलाह है गुगा में डिजाइन की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सूट मैंने आप तक दिखा दिए थे इन सूटा में था कौन सा कलर का सूट मैं उड़ा पैक के जाऊं गुगा मेडी पर। अगर किसी ने वह वीडियो ना देखी है तो पीछे जाके पिछली वीडियो देख लियो जिसमें मैंने सूट दिखा रखे है कौन सा कलर का सूट पहनूं क्योंकि वही से सूट है जो मैं ये बताई डाले कोनी है। एक सूट और भी है मैंने बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन फिर मैंने सोचू हूँ शायद एक दो ब्याह मंडन की है गुंजाइश डाउन जावा तो उड़ा ही पैरू बाकी नया सूट का तो करू के तो चलिए नहा आती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं क्या यूज करती हूँ अपने चेहरे के लिए। सबसे पहली बात तो भाई मैं करा करूँ फेस वॉश हफ्ता में मतलब डेली करा हाँ फेस वॉश तो डेली करनी चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी जम जाए अपने चेहरे के ऊपर तो नहाते हैं फेस वॉश हमेशा यूज करना चाहिए और ऑल स्किन टाइप वाला फेस वॉश लेके आई हो आप मैं तो यही दूंगी और स्क्रब हफ्ता में सिर्फ 2 बार यूज करो स्क्रब बहुत जरूरी हो है थोड़ी सी जो भीतर की जो डस्ट हो है ना वो थोड़ी उस पर साफ हो जाए है तो वह चीज भी मैं नांदी आने यूज कराया करूँ न्यू फोन भाई स्पेशल टाइम निकाला है फेस वॉश करके आऊंगी फिर ना के आऊंगी है मैंने जो करना हो वो मैं बाथरूम में ही कराया करूँ फेस वॉश वगैरह हो गया स्क्रब वगैरह हो गया बस कुछ फेस मास्क आज तक कदम लगाया को नहीं है एक बार लेके तो आई थी लेकिन वो दरिया दरिया खराब हो गया लेकिन वो भी शेयर करूंगी आपके साथ एक फेस मास्क है जो मैं खुद भी यूज करना चाहूंगी लेके आऊंगी उसकी वीडियो तो चलिए अब मैं नहा आती हूँ चल सानू मैं पर ये खा लूंगी।